बौद्धों के कानून के बारे में काफी दिनों से बहुत कुछ कहा जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए काम भी हो रहे हैं, कई जगह पर इसकी मांग भी उठ रही है। हाल ही में दिल्ली में एक प्रदर्शन किया गया जिसमें मांगा गया कि बौद्धों का एक विशेष कानून होना चाहिए, यानी कि पर्सनल लॉ होना चाहिए। काफी दिनों से विवाह के लिए भी विशेष कानून यानी कि बौद्ध विवाह के एक अलग कानून की बात भी कही जा रही है। ये कितना सही है, ये मांग कितनी सही है, या इसमें क्या दिक्कतें हैं, और अगर ऐसा कुछ किया जाना था तो बाबा साहब ने संविधान में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की, जबकि एक अलग कानून मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया, क्या वजह है, इन सारी बातों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ अनिल वैद्य जी हैं जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सुधीर मेश्राम साहब, आपने जो सवाल पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध विवाह का सेपरेट कानून करने के लिए विरोध क्यों किया और कहां पर किया, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लिखते थे तो उस वक्त जो बौद्ध जैन सिख अलग से कानून मांगते थे उस कानून के लिए बाबा साहब ने उस वक्त विरोध किया, और उसकी पूरी चर्चा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस पब्लिश किए है उसके वैल्यूम 14-1 और 14-2 में आई है। वो जो वैल्यूम है वो 1995 में पब्लिश होने से ये बाबा साहब के विचार इस बारे में क्या थे इसका ठीक से पता हमारे लोगों को लगा नहीं और अलग से कानून की मांग कर रहे हैं। जब बाबा साहब नहीं बोलते थे तो उस वक्त जब बाबा साहब ने विरोध किया कि बौद्ध और जैन सिखों को अलग से कानून नहीं दे सकता हूँ, तो फिर बाबा साहब के इन विचारों के खिलाफ जाके अलग से कानून मांगना ये तत्वहीनता है। बाबा साहब के तत्वों से हमने एक निष्ठ रहना चाहिए, हम बाबा साहब के अनुयायी, उनके विचारों का संवर्धन करना चाहिए। फिर एक बात यानी कि एक सवाल सभी के मन में आ रहा है कि आखिर ये जो बौद्धों के विवाह हो रहे हैं, अगर इनके लिए कोई विशेष कानून नहीं है तो ये जो विवाह है क्या ये अवैध होंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बौद्धों के जो विवाह है वो कानूनन है, कोई भी कानून उसको प्रतिबंध नहीं करता। आज जो बौद्ध विधि है, जो पति पत्नी भगवान बुद्ध और बाबा साहब के प्रतिमा के सामने खड़े रह के त्रिशरण पंचशील लेते हैं और उन्हें सफेद कपड़े होते हैं, पति पत्नी अपना वचन लेते हैं, 3 बार साधुकार होता है, इन सब बातों की चर्चा बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ली है और उसे कानूनन कहा है। फिर दूसरा कानून बनाने की वजह क्या है मुझे ये पूछना है। जब बाबा साहब नहीं बोलते थे दूसरा कानून करने के लिए, जब बाबा साहब राष्ट्र का विचार करते थे, जब बाबा साहब समान नागरिक कानून का विचार करते थे और खुद बाबा साहब बोलते थे कि बौद्ध जैन सिखों को यही कानून में मैं रखूंगा, अलग से नहीं दे सकता हूं, तो इतना स्पष्ट करने के कहने के बाद हमने अलग जाके कानून मांगना कहां तक उचित है, या और बाबा साहब इस बात को क्यों विरोध करते थे इसका भी हमने विचार करना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि अलग से बौद्ध कानून बनाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध, महावीर और सिखों के 10 गुरु ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने पहले से पुरानी ही व्यवस्था रखी है, इसलिए हम इनको अलग से कानून नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या बौद्ध भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे उस संविधान की धारा 25 के मुताबिक बौद्ध जैन सिख ये हिंदू का सेक्ट नहीं होते हैं। धारा 25 को ठीक से पढ़े उसका मतलब ठीक से पढ़े, कहीं पर भी बाबा साहब ने हिंदू बौद्ध जैन सिखों को हिंदू धर्म में नहीं डाला है। वो पढ़ने की जो क्षमता है वो हमारे लोगों ने रखना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करना चाहिए। वो धारा 25 का मतलब यह है कि कोई सुधारणा यदि हिंदू धर्म के कोई संस्था में करना चाहते तो उसमें उसी तरीके की सुधारणाएं बौद्ध जैन सिखों के टेम्पल्स में, संस्था में होगी, इस तरह का उसका मतलब है। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी महानायक में लिखा था।
ये एक गलत धारणा है कि बाबा साहब ने धारा 25 में बौद्ध जैन सिखों को हिंदू कहा है, ये गलत है। इसलिए वो 25 की जो रिहू की मांग है वो भी ठीक नहीं है। यहाँ एक बात और है जो काफी दिनों से कही जा रही है, लोग ये मान रहे हैं कि सिखों के लिए भी एक विशेष कानून बनाया गया है जैसा कि मुस्लिमों के लिए है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब सरासर झूठ है। सिख भी हिंदू कानून के ही तहत है और जो भी हिंदू कानून के तहत है कोई हिंदू धर्म उनको लागू नहीं किया है। यदि कोई धर्म के लोगों के धार्मिक अधिकारों का हनन होता तो सुप्रीम कोर्ट ही वो कानून को रद्द कर दिया जाता। जब हिंदू कोड बिल बनाया उसी कोड से हिंदू विवाह कानून 1955 में बनाया, मई 1955 में, तब बाबा साहब जीवित थे, बाबा साहब ने उसका विरोध नहीं किया है। उसके बाद जो भी वारसा कानून बनाया वो भी हिंदू कोड बिल से बनाया है। फिर बाबा साहब के विचारों से जो कानून बने हैं उस कानून से हमें निकाल के और कोई अरे गहरे नत्थु खैरे ने बनाए हुए कानून में हमें डालना, ये कहाँ तक उचित है? जो अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून बनाने की सोच रखते हैं वो एक भावनावश होकर भावनाओं में जाकर ये मांग करते हैं। बाबा साहब ने जो कहा वॉल्यूम 14 में वो ठीक से पढ़ते नहीं है और बाबा साहब के विचारों के खिलाफ जाने की जब जरूरत नहीं है तो भी जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये थी बात बौद्ध विवाह कानून के बारे में जो बता रहे थे अनिल वैद्य जी जो कि पूर्व न्यायाधीश है, ये उनके विचार हैं। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखें और खास बात ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो आसानी से पहुंच सके।